आज का जो एप्लीकेशन है ठीक है इम्पोर्टेंट है और अधिकांशतः परीक्षाओं में पूछा जाता है ठीक है। ये बीमारी माँ की बीमारी के कारण अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको एप्लीकेशन सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पर ऐसे तमाम एप्लीकेशन मिल जाएंगे जिसमें केवल आपको एक या दो लाइन याद करनी पड़ेगी और बाकी बन जाएगा सब ठीक है। अभी आपने लिखा भी था इससे पहले वाला, तो यानी कि ऊपर का और नीचे का जो हिंदी है वो तो वैसे ही लिखना है ठीक है। तो जैसे ये लिखा है माँ की बीमारी के लिए प्रार्थना पत्र है, तो यहाँ तक सभी को आता है, आपको भी आता होगा, आप लोगों को भी आता होगा। टू द प्रिंसिपल स्कूल का नाम, जिस स्कूल में आप पढ़ते हो, DPS जैतपुर, डुप्लेक्स पब्लिक स्कूल जैतपुर, महोबा UP, या जो भी आपके विद्यालय का नाम हो, सर रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट, यहाँ तक अधिकांशता हर बच्चे से बनता है, आपसे ही बनता होगा। थोड़ी ऐसी यहाँ बगल में ऐसे, अब देखिएगा, अब इसके आगे आपको लिखना क्या है, सपोज दैट आपका पेज यहाँ तक है ठीक है, यहाँ तक, तो इस यहाँ तक आप कैसे लिखेंगे। मान लीजिएगा आपका ये रहा पेज, क्या रहा पेज, तो आपको इसके अंदर ही लिखना है ठीक है, इसके अंदर ही लिखना है, बाहर नहीं लिखना है ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, तो कैसे बनाओगे, कैसे बनेगा, आई फिर आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास टेंथ, यहाँ लिखेंगे टेंथ, एस के नीचे टेंथ ठीक है। मैं आपके विद्यालय में पढ़ता हूँ, कैसे बनेगा, आई रीड फिर इन योर स्कूल या कॉलेज, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद क्या है, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ, कैसे बनेगा, आई कम टू स्कूल डेली, आई कम टू स्कूल डेली ठीक है, मैं प्रतिदिन विद्यालय आता हूँ। तो यहाँ तक तो देखो आपको हर एप्लीकेशन में ऐसा ही लिखना है, कोई दिक्कत, कर लोगे इतना। अब क्या है समस्या, क्या है, मेरी माँ बीमार है, क्या लिखोगे, माई मोम या मदर भी लिख सकते हैं आप, मदर इज क्या सिक भी लिख सकते हैं और एल भी, तो आप जो चाहें वो लिख लें सिक ठीक है। और पिताजी घर पर नहीं है, तो और की अंग्रेजी एंड, फादर इज नॉट एट द हाउस या होम ठीक है, फादर इज नॉट एट द होम, पिताजी घर पर नहीं है ठीक है। ऑन नहीं लगाएंगे, ऑन लगाएंगे तो फिर ऊपर हो जाएगा ठीक है, इसीलिए, इसलिए कि अंग्रेजी सो मैं आई, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ, क्या लगेगा, आई कैन नॉट फिर कम टू स्कूल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल ठीक है। अब क्या लिखना है आपको, मेहरबानी करके, तो आर के नीचे लिखेंगे प्लीज, प्लीज मेहरबानी करके मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान करें, तो प्लीज ग्रांट, ग्रांट यानी प्रदान करें, ग्रांट मी लीव, लीव फॉर 2 डेज, कोई दिक्कत यहाँ तक, प्लीज ग्रांट मी लीव फॉर 2 डेज ठीक है। अब आगे क्या है, मुझे आशा ही नहीं, जैसा आपने पहले वाले एप्लीकेशन में लिखा था, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, तो वही फिर आ गया, वही लाइन आपको फिर लिख देना, मतलब आपको केवल 2 लाइन याद करना है, बाकी ऊपर का भी ज्यों कहते हो नीचे का भी ज्यों कहते हो लिख देना है। तो मुझे आशा ही नहीं, कैसे बनाओगे, आई हैव फिर नॉट ओनली, आशा क्या होता है, होप, आई हैव नॉट ओनली होप बट आल्सो फिर फुल फेथ ठीक है, कि आप मुझे निराश नहीं करोगे, तो की क्या अंग्रेजी, दैट यू, अब गया गया तो विल नॉट डिसअपॉइंट मी,
यू विल नॉट डिसअपॉइंट। अब देखिए कुछ लोग क्या करते हैं, इस तरफ पता डाल देते हैं, कुछ लोग उस तरफ, ठीक है। अब आगे देखें, लिखेंगे थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, ठीक है। इसके नीचे क्या लिखेंगे, डेट। डेट कभी तिरछी ना लिखें, डेट 2022, 2022 भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख देंगे योर्स ओबीडेंटली, ठीक है, योर ओबीडेंटली, इस तरीका से लिखेंगे।